उस दिन आपका फर्स्ट एग्जाम है, वो भी कंप्यूटर का। और इतना हार्ड जिसमें मेरे वो नहीं बताऊंगा कितने नंबर आए थे, नहीं बताऊंगा। तो गाइस अभी दादी नहा रही है, हम सब नहा रही है और अभी हम पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा। और अब दो दिन क्या, पूरे 15 डेज आपको पढ़ाई करनी है। हाँ। आपका 9th तक एग्जाम है, फर्स्ट है 25th को। मम्मी बोल रही थी कि सोना नहीं है। हाँ, सोना भी नहीं है। एग्जाम में नींद उड़ जाती है वैसे। हाँ, क्या एग्जाम में नींद उड़ जाती है। रात लेट नाइट तक पढ़ाई करनी है आपको अब, है ना। कौन सी क्लास में हो आप? थर्ड क्लास। हार्ड क्लास होती है पता आपको? फोर्थ उससे भी। हाँ, अब तो आपकी हार्ड ही हार्ड आती रहेगी। सेकंड तक इतना इतना मुश्किल। अभी नहीं बजे बाबू, आपके आगे हो रही है घड़ी। पापा ने चला दिया। अब हम शुरू कर रहे हैं आरती। गनु भैया की चलो स्टार्ट करो। पहले ऐड आएगी, पहले ऐड आएगी। अभी पापा ने भंडारे का पूछा है और अभी पापा बताएंगे कितने पैसे लगेंगे। तो भंडारा बनवा रहे हैं, भंडारे का सोच रहे हैं आज, क्योंकि भंडारे में बिजी हो जाते हैं ना सबको, काम रह जाता है, तो इसलिए अभी हम बनवाना चाह रहे हैं भंडारा। कर रहे डिसाइड कंफर्म नहीं हुआ है, फाइनल करेंगे तो बताएंगे आपको। क्या कहते हो भंडारे में क्या? आलू पूड़ी हलवा है ना। आलू पूड़ी हलवा, आलू पूड़ी हलवा का भंडारा करेंगे गनू भैया के लिए। बस बाकी इनके मन तो तैयारियां हो गई हैं। तैयारियां हो गई, हलवाई ने सामान तो लिस्ट भेजी, अब सामान लेके आते हैं। ये देख रहे हो, और ये देखो ये खेलने में लग रहा है। गाइस देखिए, इसका परसों एग्जाम है, टर्म बंद करो, प्रॉपर टर्म है और ये नहीं कि ये पढ़ ले। तो गाइस अभी वो जा रहे हैं, बाहर मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन आपको 15 डेज पूरा पढ़ाई में ध्यान देना है। नहीं अभी अभी सिर्फ आपका एक ही लेसन हुआ है गुड्डू, अब सेकेंड लेसन के लिए हम अंदर चलते हैं। सारे हो गया। कुछ नहीं हुआ थर्ड तो, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, सब हो गया। मतलब हो गया, कर लो, मजाक की बात नहीं है। आपका टर्म है, प्रॉपर टर्म, 50 मार्क्स का एग्जाम आएगा। गाइस तो गाइस अभी हलवाई का सामान हम दिखाते हैं आपको। पाँच किलो नहीं है, 10 kg है। 10 kg? हाँ, और ये सामान है वो मैंने उठा लिया। अभी काफी सामान रह गया है गाइस, अभी आलू टमाटर स्कूल का भी रह गया, टमाटर ये सब भी रह गया, साइड में रख दो इसको। तो पूजा भी हो गई है, अब खाने का टाइम है और बीच में इस लड़के के एग्जाम चल रहे हैं, और ऊपर से ये पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं है कि आराम से बैठ के पढ़ ले अगर मम्मा पापा बिजी हैं काम कर रहे हैं तो, है ना। इसको लर्न करा चुकी हूँ मैं, सिर्फ एक रह गया है, बाकी मैं सब करा चुकी हूँ, तो ये नहीं कि ये कर ले। ये देखिए कैसे इधर उधर भाग रहा है। क्या था? अरे तो ये रहे हमारे गणेश जी। क्या रे से बस, अब आज 5th डे है और 7th डे पे विसर्जन हो जाएगा, फिर आएंगे अगले साल। लग रहा अभी एक लेसन रह गया है आपका, अभी बैठ के बस में कर लूंगा। व्हाट अ जोक। उस दिन जिस दिन मिसेस जन है उस दिन मेरा टेस्ट भी है, और उस टेस्ट नहीं है, एग्जाम है। एग्जाम टेस्ट ही होता है, टेस्ट अलग होता है, टेस्ट अलग होता है, एग्जाम अलग होता है, प्रॉपर मिड टर्म। आप बताना कि कमेंट्स में बताना कि एग्जाम और टेस्ट एक ही होता है ना। सोना नहीं है आपको, टाइम पता है कितना हो गया, देखो गणेश जी भी सो रहे हैं, आप चाय वाय भी पी लो, 12 बजने वाले हैं, 12:45 हो गए, फोन देख रहे हो, ये नहीं पढ़ लो, जल्दी सो जाओ ताकि भी सुबह उठ के पढ़ लोगे। अब क्या खा रहे हो इतनी राइट में? क्या भूख लगी थी इसलिए इतनी नाइट में? क्या खा रहे हो?
चौकोज चौकोज चौकोज। तो एंड तो कर दो ब्लॉग को फिर। तो इस ब्लॉग को खत्म, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं जल्दी।